आज 23 जनवरी पूजनीय क्रांतिकारी वीर सपूत माँ भारती के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू जागरण मंच की ओर से स्थानीय गांधी पार्क चौराहे पर एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमने सभी लोगों ने राष्ट्रभक्तों ने सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे देश के एक ऐसे अप्रतिम योद्धा रहे हैं, ऐसे योद्धा रहे हैं जो प्रलय ही युगों में उत्पन्न होते हैं। ऐसे योद्धा को हम शत नमन करते हैं, साथ ही हमको उनसे प्रेरणा लेनी होगी। उन्होंने जिन विषम परिस्थितियों में संगठन का महत्व सभी को समझाया, जिन विषम परिस्थितियों में एक सेना को संगठित करके इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, किन्हीं कारणों से दुर्भाग्यवश वो उस आजादी की लड़ाई को पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा संदेश हम सभी को दिया कि विषम परिस्थितियों में संगठन के माध्यम से अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमें देश के मरने के लिए आवश्यकता नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हमें अपने समाज में अपनी बहनों की रक्षा के लिए, अपनी माताओं की रक्षा के लिए संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे कि उन पर होने वाले अत्याचारों पर हम मुक्ति पा सके। इन अत्याचारों से मुक्ति के लिए हम अपने विचारों, अपने संस्कारों में प्रगाढ़ता लाने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं जो हमारे देश में घटित हो रहा है, सब हमारी शिक्षा से और पाश्चात्य सभ्यता से, हमारे भारत में जो विलीनकरण हो रहा है पाश्चात्य सभ्यता का, इसके लिए इससे सब घटित होता चला जा रहा है। हम सबको एक विश्व धर्म की कामना से, विश्व मंगल की कामना से अपने देश और समाज की रक्षा के लिए संगठित होना आवश्यकता है। और संगठन का सही मायने में अर्थ हमको सुभाष चंद्र बोस जी ने समझाया है। उस जमाने में भी लोग उनकी संगठन की ताकत का लोहा मानते थे, और आज भी हमको उनके आदर्शों के चलते हुए अपने देश को संगठित करके, अपने राष्ट्र को संगठित करके, सज्जन शक्तियों को संगठित करके, नशे से बचाते हुए युवाओं को एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करना है। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की एक बार पुनः शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।